बापूजी अपने सभी साधकों को एक अहम बात बतलाते आए हैं कि ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो रोना ही पड़ेगा। इसीलिए संसार के तापों से बचने का उपाय हमें जरूर जान लेना चाहिए। संसार के वो कौन से ताप हैं और उनसे कैसे बचा जाए, आइए समझते हैं बापूजी की इस सत्संग वाणी से। संसार में तीन ताप हैं, सभी को तपाते रहते हैं। आदि दैविक ताप, कभी अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई, गर्मी हुई, प्रकृति के भूकंप हुए, बाढ़ आई, ये आदि दैविक ताप है। आदि भौतिक ताप, शरीर बीमार हुआ, नौकरी धंधा नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये वो धंधा है व्यापार है, ये आदि भौतिक असुविधा है। घर में कलह है, मन में अशांति है, बेचैनी है, ऐसा है वैसा है मानसिक, इसको आदि आदि भौतिक, आदि दैविक और अंदर के ताप को अध्यात्म ताप। ये तीन तापों में से कभी कोई ताप कभी कोई ताप में लोग तपते ही रहते हैं। इन तापों से छूटने के लिए एक ही उपाय है, संसार तापे तपता नाम। संसार के तापों में जो तपते हैं, योगो परम औषधया, भगवत योग ही परम औषध है, वहाँ ताप नहीं है। जैसे जंगल में चारों तरफ आग लगी, लेकिन जंगल के समझदार प्राणी जाके जंगल में जहाँ भी सरोवर है, पानी है, वहाँ बीच में खड़े हो जाते, तो चारों तरफ की ताप तो दूसरे प्राणियों को जलाती तपाती, लेकिन जो सरोवर में खड़े हैं उधर अग्नि आ ही नहीं सकती। ऐसे ही संसार के ताप से तपे लोगों के लिए भगवत योग है। हे प्रभु, हे आनंद देवा, हे सच्चिदानंद, ऐसा आदत डाल दो कभी भी ताप आए तुरंत पहुंच जाओ। ऐसा तालाब ऐसा डैम देख लो कि कभी भी जंगल में आग लगे तो पहुंच जाओ। रोज पानी पीने जाते, आग लगी तो वहां पहुंच गए। ऐसे रोज भगवत रस का पानी पियो, कभी कोई एकाएक मुसीबत अशांति आए तो तुरंत उधर चले गए, बस अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अब मृत्यु तो आने वाला ही है, मृत्यु का तो महाताप है। जीवन भर जो संभाला, जीवन भर जिसको अपना माना था, जीवन भर जिसको मैं माना था, वही कम वक्त शरीर मर रहा है। जिसको मैं करके मरे जा रहे हैं वही अब मर रहा है। हाथ चलते नहीं, पैर ये नहीं हुआ, मैं मर रहा हूँ। तो जब मर रहे हैं तो मृत्यु हो रही है, तो शरीर की हो रही है, इसको जानने वाला कौन है? प्रभु जी, तुरंत वही सर्वत्र प्रकट हो जाएगा। मरकर काय को पशु बनना, मरकर दुनिया घर का चिंतन करे, भैंस का क्या होगा तो फिर भैंस की पाड़ी बनोगे, छोरों का क्या होगा तो घर के कुछ बन जाओगे। नहीं, ये मृत्यु हो रही है, जिसकी मृत्यु हो रही है वो तो शरीर है। मैं किसका हूँ प्रभु, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं हूँ तुम्हारा सुना है ना आनंद देवता। तुरंत वो सरोवर का आनंद चालू हो जाएगा। मरने की रीत सीख लो, मरना तो पड़ेगा, अभी से रीत सीख लो। मेरे पिताजी जब दिन आए संसार से जाने के, तो पूछते थे कि आज कौन सी तिथि है, बोले आज तो चौथ है। अच्छा, अभी चौथी है, आज कौन सी तिथि है, बोले अभी नौम है। परसों 11 से तो क्या है, बोले ऐसे करते पूनम का दिन आया, सुबह के 3 बजे थे। जेठे माँ, ओ जेठे माँ, बड़े मर्द आदमी थे मेरे पिताजी, बड़ा जमींदार था, दबंग था, रुबाब वाला व्यक्ति था। मैं तो छोटा था, 9 साल का 10 साल। जेठे को उठा, लिपन लेपो, ये क्या बोलते हो, अभी ये ज़्यादा बात नहीं करो, जल्दी करो, मेरे को सुला दो। दोनों ने उतार के लिपण पे सुला दिया। बोले
तुलसी के पत्ते सूरज उगने के पहले नहीं तोड़े जाते तो द्राक्ष का पानी बनाओ, मेरे मुंह में पानी डालो, जेठा तो गीता पढ़। जो कबूतरों को दाना डालते ना उसको मृत्यु का समय पता चल जाता है, जो पक्षियों को दाना देते रहते ना उनको मृत्यु का समय पता चल जाता है कि उसका प्रभाव है। वो देते थे पशु पक्षियों को दाना, वो गीता पढ़े, जेठा मेरा भाई, एकाएक शेर ने गाय के आगे हाथ जोड़े, जेठे माँ तू मेरे को माफ कर दे, मेरी माँ तो बिचारी कभी चूना बोले। बोले आप ये क्या करते? बोले नहीं तू मेरे को माफ कर देना, चाहो ने तू बोल दे तुमको माफ है। बोले क्या मैं आप क्यों ऐसा बोलते? बोले क्या पता, मैंने कई बार तुम्हारे को न कहने का कहा है, हाथ भी उठाया, अब तुम माफ कर दे, नहीं तो फिर मैं कुछ बनूंगा और तू कुछ, एक दूसरे का लेना देना चक्कर चलता रहेगा, तू बोल देने माफ। तो बोले आप भी बोल दो ने तेरे को माफ है, मेरे से भी तो गलती हो जाती थी। हाँ बोले माफ है तेरे को तो, मेरी माँ ने भी कहा तुमको भी माफ है, तो आप मरो तो अपने पहले से सेटिंग कर लेना, समझ गए? समझ गए तुम? हाँ, काहे को एक दूसरे का बोझा लेके फिर अपन गाय बने, वो डंडे मारे, अपन भैंस बने और धोते हैं, ऐसा काहे को बनना। कर्मानुबंध ने मनुष्य लोके है, कर्म के लेन देन के बंधन से फिर मनुष्य लोक में आता है, फिर पशु बन के आए, पक्षी बन के आए, हिरण बन के आए, और राजा भरत जिसके नाम से भारत देश नाम पड़ा, अजनाब खंड था पहले, अब इसको भारत कहते, भरत के नाम से, वो मरने के बाद हिरण हो गए। हिरण का चिंतन किया, हिरण कहाँ चला गया, कहीं बघेड़ा न खा जाए। अब हिरण के चिंतन चिंतन में बेचारे हिरण बन गए, तो आप बेटे का क्या होगा? बेटे को शौच कराने में बहुएं ध्यान नहीं रखती, सासू ऐसा चिंतन है, तो फिर सासू कुतिया बन गई, ससुरा कुत्ता बन गया, बच्चे बैठे शौच करने तो दोनों चौकी करें, भो 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 भो, वो बहुओं ने देखा कि ये कुतिया रांड जब हमारे बच्चे शौच करने को बैठते तो उधर जाके खड़ी होती है, भौंकती रहती। अब उसको पता नहीं कि सासू जी है, डंडा लेके खड़ी रहती थी तो भों भों करके खड़ी रह रही, तो बहुओं को लगा गुस्सा, तो उठा के जोर से डंडा दे मारा चौकीदार का। अब चौकीदार का डंडा भी तो मोटा होता है, अब कुत्ता की कुतिया की बेचारे की रीढ़ कितनी छोटी, हड्डी टूट गई, हाँ 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 हाँ। अब छोटी मोटी मार पड़े तो थोड़ी देर में चुप हो जाए, वो तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो कहराती रही, और पीछे के पैर काम नहीं करे, दो पैर आगे वाले, हाँ हाँ। एक साधु पसार हुए, उसको दया आ गई कि ये कुतिया ने ऐसा क्या कर्म किया, कौन थी? साधु ने ध्यान लगा के देख लिया, अरे ये मकान की मालकन सेठानी सासू जी थी, पोते पोतियां बैठते थे तो चौकी करती थी, कुत्तों को भगाती थी और बच्चों का ध्यान रखती थी, और मरते समय बच्चों को, बहुएं ध्यान नहीं रखेगी बच्चों का क्या होगा, तो ऐसा सोचते सोचते गई तो कुत्तों से रक्षा में करती थी डंडा लेकर, तो कुत्तों का और बच्चे शौच करते उसका चिंतन करते करते हुए तो कुतिया बन गई, और फिर ससुरा जी भी पत्नी का और पोते पोतियों का, तो ये कुत्ता बन गए, दोनों की जोड़ी लगी है और पोते पोतियों की चौकी कर रहे। तो साधु भी थे जरा मस्त, तो कुत्ते को अगले जन्म का दृश्य समझ में आ जाए ऐसा संकल्प छोड़ दिया, तो कुत्ते ने कुतिया को कहा कि रांड चुप रहे, तेरे को तो डंडा मारा, अब क्या क्या तू करती, और आ जाएगी दूसरी बहू तो मेरी कमर टूटेगी, पोतों का क्या होगा, पोतों को शौच कौन कराएगा, तू बन गई कुत्ती और मैं बन गया कुत्ता, नहीं तो अपन इसी घर का, ये मकान तो मैंने ही बनाया था,
मकान बनाने वाला सेठ और सेठानी, कुत्ता और कुत्ती बने और बच्चे शौच कर रहे हैं कभी कभी, और कुत्तों से तो बच्चों की रक्षा करते, कभी गर्मा गर्म बच्चों का। अब आप समझ जाओ, ज्यादा बात नहीं करता हूं मैं। है छी छी कहानी यहां पूरी नहीं होती है, और भी लंबी चौड़ी है। तो भगवान के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो घाटा है, धोखा है। इसलिए जब दुख आए तो दुख मन में आया, बीमारी आए तो बोले शरीर में आए। इसको जानने वाला मेरे प्रभु जी आप ही चैतन्य हो। दुख भी चला जाता है, सुख भी चला जाता है, बीमारी भी चली जाती है, और आप तो सत हो। सत नहीं जाता है ना, आप सतरूप हो। सत भी हो, चेतन भी हो, आपकी चेतना से आप पैर उठते हैं, आंखें की पलकें चलती, और आप आनंद रूप भी हो। प्रभु जी आप सच्चिदानंद हो ना, हमने तो सुना है, सुन के मान रहे, आप अनुभव कराओगे ना, ये सच्चिदानंद है प्रभु जी, ये प्यारे जी। आज से रात को रोज चालू कर दो, बस पहुंच जाओगे तालाब में। लगी आग तो जय सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद, लगती रहे आग, होता रहे घर में कलह, बोलते रहे मीडिया वाले टीवी वाले कुछ का कुछ, आप तो सच्चिदानंद। शुरू शुरू में ये करना है, बाद में तो ज्ञान हो जाएगा, फिर क्या। मैं ऐसा थोड़े रोज करता हूँ, पहले किया तो किया, अब तो हो गया, पता चल गया बस। कोई कुछ भी कहे, अब उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने, सच्चिदानंद के ठिकाने। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटोफिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप। सभी के लिए एक महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।